देश और प्रदेश में भले ही महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना पे सवाल खड़े हुए हों, लेकिन मेरे गांव गैरसैंण में ये गरीब लोगों और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ है। इससे तो मुझे नहीं, पूरे गांव को फायदा है। मतलब 18 साल से ऊपर और 115 साल का भी, उसको भी गारंटी रोजगार में काम दिया जाएगा। तो सरकार का ये है कि कोई आदमी मतलब भूखा या पैसा न रहे, तो अमूमन साल भर में 100 दिन का रोजगार तो बिल्कुल उपलब्ध है और लोग करते भी हैं। जैसे हम लोग सिविल कास्ट के हैं, तो हम लोगों के पास जैसे जमीन जायदाद नहीं है, तो ये गारंटी रोजगार का जो रोजगार आ रहा था थोड़ा बहुत, इसमें हमारे बच्चे पल जाते रोजगार नहीं, मतलब पत्थर पुथर फोड़ते थे हम। तो ये जब ये गारंटी रोजगार आया था, इसमें थोड़ा बहुत हमें लाभ ऐसा हुआ कि रोजगार मिलते जा रहा है। मुझे तो बहुत फायदा हुआ जब गारंटी रोजगार की योजना मिली, तो मेरे अपनी दीवार बन गई, अपनी चीजें बन गई, अपनी चीजें मजबूत हो गई हैं। मंडी का पहाड़ों में रोजगार का अच्छा जरिया साबित हुआ है। मेरे गैरसैंण में जिन लोगों के पास खेती नहीं है, वे इससे अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। गाँव में जमीन होती तो मैं जमीन पर निर्भर रहते, जमीन भी तो नहीं है हमारे पास, जब काम आता रहते हैं तो 100 दिन के रोजगार भी मिल जाता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में अगर लोग जागरूक हों, प्रधान ईमानदार हो, तो काफी गरीब लोगों और भूमिहीन पिछड़ी जाति के लोगों को फायदा हो सकता है। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैंण उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।